सुंदर लंबे और घने बाल किसे अच्छे नहीं लगते। हर कोई चाहता है कि उनका बाल सुंदर रहे, स्वस्थ रहे और स्मूदिंग रहे उनके बालों में। आप देख सकती हैं कि मेरा हेयर कितना सुंदर लग रहा है, कितना लॉन्ग और कितना शाइनी है मेरा हेयर, और साथ ही स्मूद है, स्ट्रेट है। ये सारे मैंने किसी पार्लर से नहीं लिए, घर के ट्रीटमेंट से मैंने किया है इसे। और आज जो ऑयल मैं बताने वाली हूँ आपको, उसकी वीडियोज़ तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट इसको आप देखिए कि हेयर जो सुंदर और घना चाहती हैं, जो लोग के हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए, इससे आपके हेयर सुंदर, सॉफ्ट, लॉन्ग बनेंगे। साथ ही आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके हेयर बन जाएंगे। काले घने और सुंदर बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हेयर को सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार हेयर को मसाज करें। आपके बालों में तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि हम हेयर में मास्क अप्लाई करते हैं, पैक अप्लाई करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा है हमारे बालों के लिए हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग सप्ताह में 2 से 3 बार कीजिए, तो इसी तरह आपके बाल सुंदर और घने रहेंगे। आप मेरे बालों को देख सकती हैं कितना सुंदर, कितना स्मूथ, कितना लॉन्ग और कितना शाइनी हेयर है मेरा। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ये फालतू चीज़ें हैं, हम बकवास बताते हैं, तो थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर हम बकवास बताते हैं तो हमारे बाल फिर इतने सुंदर क्यों हैं, आप ही के बालों में प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि हम केयर करते हैं अपने बालों की और ध्यान रखते हैं कि इसे हम अपने बालों से क्या लगाएं, क्या यूज़ करें जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पैसे वेस्ट करके और हम अच्छा हेयर नहीं पा सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू मेरे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। आज जो तेल मैं अपने बालों में लगाने जा रही हूँ वो है ये DIY तेल, जिसे मैंने बताया था आपको, और इसे कैसे लगाना है इसके भी प्रोसेस मैंने बताया था कि लगाने से पहले आपको इस तरह इसे डब्बे को अच्छी तरह हिला लेना है, जिससे कि इसके तली में जो मटेरियल बैठा है, इंग्रीडियंट बैठा है, वो अच्छी तरह हमारे पूरे तेल में मिल जाए, जिससे कि हमारे हेयर जो है उनको 100% बेनिफिट्स मिल सके। इसके बाद इसको हम एक बोल में निकाल देंगे। एक बात और मैंने आपको बताया था कि आप अपने हेयर में अप्लाई करने से पहले इसको हल्का वार्म कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 3-4 स्पून यहाँ पे ये तेल मैंने ले लिया है। अब इसमें जो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी वो है कस्टर्ड ऑयल। ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके हेयर बहुत ही स्लो हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप इसे मिक्स करके अपने हेयर में अप्लाई कीजिए। इससे आपके हेयर जो हैं बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। किसी भी तेल को अपने बालों में अप्लाई करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बालों में इसे कंटिन्यू लगाएं। 2 दिन 1 दिन ऐसे करने से आपके ना हेयर ग्रोथ होंगे ना आपके हेयर ब्लैक होंगे। तो ये चीज़ चाहिए आपको। इसमें हमें मिलाना है कस्टर्ड ऑयल, बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, थिक होता है, तो इसमें मैंने 2 स्पून लिया है ये कस्टर्ड ऑयल। इस तरह देखिए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ए के कैप्सूल्स। ये देखिए विटामिन ई के तेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके हेयर के लिए। वैसे इसका तेल भी आपको मार्केट में मिलता है, अगर मार्केट में तेल आपको नहीं मिले तो ये आपको कैप्सूल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक या मेडिकल शॉप पे ये आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25-30 रुपीज़ में ये 10 टैबलेट आते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। देखिए तो 3 टैबलेट इसमें मैंने यूज़ किया है, 3 टैबलेट के ऑयल मैंने लिए हैं इसमें कैप्सूल के, और इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा तेल बहुत ही डार्क कलर का, जो मैंने DIY तेल बनाया वो बहुत ही डार्क है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का ये है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके हेयर व्हाइट हो रहे हैं तो ये तेल आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसको अपने हेयर में लगाएंगे। बस एक ही बात मैं आपसे बार बार कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेहनत करें, इतने अच्छे से वीडियोस देखें, फॉलो करें और आपको कोई रिजल्ट ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी जो भी चीज़ आप यूज़ करिए, जो भी रेमेडीज आप यूज़ करिए, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि वो आपके बालों पर असर कर सके, अपना जो बेनिफिट्स है आपके बालों पे वो छोड़ सके। तो इस तरह हम अच्छी तरह मिलाएंगे। अगर आपने मेरा ये DIY तेल वाला वीडियो अगर नहीं दिखा है तो मैं नीचे सॉरी नहीं देखा है तो मैं नीचे डाल दूंगी, आप उसको जरूर चेक कर लेना। ये ऑयल 100% नेचुरल है, प्योर है, आपके हेयर को ना कि ये ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, व्हाइट हेयर को भी ब्लैक करेगा, और साथ ही जिनके हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, उनको भी ये रिपेयर करके सुंदर और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो ये इसमें मैंने कस्टर्ड ऑयल इसलिए मिला है क्योंकि कस्टर्ड ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इन तीनों तेलों को हम मिक्स करके इस तरह एक
ऑयल तैयार कर लेंगे। हल्का गुनगुना करना है, तेल को बिल्कुल नहीं भूलिए। उसके बाद अपने हेयर को आप शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने बालों में कोई पैक तेल अगर आप चाहती हैं बालों के फायदे के लिए आप यूज कर रही हैं, तो वो 100% अगर आपके बालों में असर हो, गुड रिजल्ट मिले उसका, तो अपने हेयर को आप क्लीन रखें। आप देखती होंगी कि मैं जब भी अपने बालों में कोई चीज अप्लाई करती हूँ मेरा हेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, ये देखिए। और ऐसा नहीं है हर एक दिन बीच करके अपने हेयर को, अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा लंबे हैं तो एक दिन बीच करके आप अपने हेयर को क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपके हेयर जो है वो क्लीन रहेंगे और साथ ही आपके हेयर में जुए नहीं आएंगी, तो इस वजह से आपके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो ये तेल लगाने से पहले आप अपने हेयर को अच्छी तरह कॉम कर लें और उसको क्लीन कर लें, और उसके बाद इसको अप्लाई करें। लेयर बाई लेयर अप्लाई करना है इसे। अगर आप नाइट में नहीं लगाई हैं और मॉर्निंग में आप लगा रही हैं तो इसे अर्ली मॉर्निंग में आप अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, अर्ली मॉर्निंग अप्लाई करने से ये आपके हेयर में कुछ देर तक रहेगा, तो कम से कम अगर आप बालों में अपने इसे लगाती हैं तो 3 से 4 घंटे आप इसे अपने बालों में बिल्कुल लगा रहने दें। अगर अर्ली मॉर्निंग आप जगती हैं उसी समय आप अपने हेयर में लगा लें, फिर अपने काम कीजिए, और जो हेयर वॉश है तो उसे आप लास्ट में कर लीजिए। क्योंकि आपके हेयर पे अगर आप ऑयलिंग करते हैं, अपने हेयर में तेल लगाती हैं कोई भी, तो वो आपके बालों में 100% उसके रिजल्ट तभी मिलेंगे जब इसे आप कुछ भी देर बालों में आप इसे रहने देंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 10 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, उसके बाद हेयर वॉश कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके जब तेल लगाती हैं, ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, तो वो आपके हेयर में कम से कम 3 से 4 घंटे रहने चाहिए। हाँ, अगर आप कोई मास्क लगाती हैं, पैक लगाती हैं, तो वो आधा घंटा 1 घंटा बहुत है आपके बालों के लिए, वो सही है। बट अगर आप ऑयलिंग करती हैं अपने बालों में तो वो आपके बालों में 3 से 4 घंटा कम से कम रहना चाहिए। ये देखिए, और इस तरह जब आप तेल लगाती हैं अपने बालों में तो लेयर बाय लेयर रूट से लेंथ तक आप लगा रहने दें इसे, और बहुत ही अच्छा होगा कि इसे आप रूट में अच्छी तरह मसाज करें। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह लगा के मसाज करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने पूरे रूट में इसे अप्लाई कर लूंगी पहले। तो ये देखिए, मैंने अपने पूरे हेयर में इसे अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक, कम से कम 5 to 7 मिनट या 10 मिनट अपने हेयर में मसाज करेंगे। हो सके तो मसाज करने के बाद आप अपने हेयर को स्टीम अगर दे दें तो और भी ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए। इसे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। ये देखिए, इससे हमारा जो है अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे सिर में, और वो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देगा हमारे बालों में। और आप देख सकती हैं कि जब मैं इस तेल को लगाती हूँ तो हेयर एकदम डार्क डार्क सा, यानी ब्लैक ब्लैक सा लगने लगता है। और अगर हम आपको कुछ खराब टिप्स बताते हैं, अगर ये असर नहीं करेगा आपके बालों पे, तो हमारे बाल फिर इतने अच्छे इतने सुंदर कैसे हैं? तो इसलिए ये आप जिस तरह बताया जाता है उसी तरह आप फॉलो किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अच्छे बताते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग सबके अपने टिप्स होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं, अपने डिज़ाइन होते हैं, तो सभी के अच्छे हैं। तो आप ये नहीं मैं करी कि आप मेरे ही जो रूल है उसी को आप फॉलो कीजिए। आप जिसके भी रूल फॉलो कर रही हैं उसे कंटिन्यू आप फॉलो कीजिए, तभी आपके बालों में गुड रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। अगर आप रिजल्ट लेना चाहती हैं तो मेथी, कलौंजी, कोकोनट ऑयल और चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, तो ये सारे हमारे हेयर के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होगा। ये हमारे हेयर को 100% नेचुरल, ब्लैक, लॉन्ग और अच्छा रखेगा, शाइनी रखेगा। अगर आप पार्लर जाती हैं और एक घर के रेमेडीज आप यूज़ करती हैं, तो घर के रेमेडीज यूज़ करने वाले लोगों के हेयर जो हैं बहुत टाइम के बाद वाइट होते हैं। हेयर हमारे जो हैं वो अच्छी तरह ब्लैक रहते हैं, लॉन्ग टाइम ब्लैक रहते हैं, अगर आप नेचुरल घर की चीज़ें ही यूज करती हैं तो। क्योंकि बाहर की चीज़ें, पार्लर की चीज़ें खासतौर से, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कुछ देर के लिए तो हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, बस कुछ दिनों बाद हमारे हेयर और भी ज़्यादा रफ, फ्रिजी लगने लगते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बाहर पार्लर की चीज़ें यूज़ करने से बचें और घर के रेमेडीज जितने हो उतने आप यूज़ करें। तो ये देखिए, अच्छी तरह मसाज कर लेंगे हम इसे।
तो हेयर को मैंने अच्छी तरह मसाज कर लिया है। अब इसको कॉम करना तो आप बिल्कुल स्किप ना करें, कॉम करना आप बिल्कुल इसे अच्छी तरह कॉम कर लेंगे तो आप ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा और आपके हेयर में ये जो है जड़ों तक जाएगा और आपके जो रूट हैं वो अच्छी तरह स्ट्रांग बनेंगे बालों के। तो इस तरह आप अच्छी तरह कॉम कर लें, कॉम करना बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है। तो ये देखिए तो इस तरह बन बना के कॉम करके मैंने बन बना लिया है और अपने हेयर को हम इस तरह सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद आप इसे अपने हेयर पे 3-4 घंटे तक आप रहने दीजिए और उसके बाद आप अपने हेयर को आप वॉश कर लीजिए। अगर 1-2 घंटे ज़्यादा भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, हेयर को आप थोड़े देर जितना देर तक हो सके अपने बालों पे लगा रहने दें। इससे आपके बालों पे 100% ये काम करेगा, आपके हेयर की ग्रोथ जो है उसको ये बढ़ाएगा, आपके हेयर को ब्लैक करेगा, साथ ही आपके व्हाइट हेयर को भी ये स्टॉप करेगा और जो व्हाइट हेयर हो गया उनको भी ये ब्लैक करेगा, साथ ही डैंड्रफ खत्म करेगा, अगर आपके 2 मुंह बाल उनको भी खत्म करेगा, साथ ही आपके हेयर अगर फ्रिजी हैं डल हैं तो उनको भी ये रिपेयर करके सुंदर सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। हेयर ऐसा है कि अगर इसे आप डेली रूटीन अपने हेयर में आप अप्लाई करने के लिए बना कर और इसे रख लेती हैं और डेली अप्लाई करती हैं तो आपके हेयर के जितने प्रॉब्लम हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं ये नहीं करी कि उसके अलावा आप मास्क वगैरह अपने हेयर पे नहीं लगाइए क्योंकि वो भी जरूरी है आपके हेयर के लिए। तो बहुत जल्द मैं बहुत अच्छी मास्क भी आपके हेयर के लिए इजी लेके आऊँगी। जिनके पास टाइम कम रहता है और सोचते हैं कि कम जो हमारा मेहनत है उसको करने के बाद हमारा हेयर बहुत सुंदर हो जाए तो ये भी रेमेडीज लेके आऊँगी, लेकिन आज के लिए यही, ये हमारा तेल जो है हेयर ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए, इसलिए इसको करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। हो सके तो वीक में 2 से 3 बार जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले जब भी आप हेयर को ऑयलिंग करके रखें, आप इससे आपके जो ब्लैक हेयर हैं व्हाइट होने से बच जाएंगे, ये 100% गारंटी है मेरी। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी तरह नई यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।